आप बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाते हो जो कि गलत बात थी, वो इंस्टेंट डिसीजन लिया गया था जका अशरफ ने। देखो सीधी बात है भाई, हर बंदा अपनी टीम की कप्तानी करना चाहता है। हरीश रॉफ ने भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, अगर मुझे कप्तानी का ऑफर मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा, हर कोई अपने देश की कप्तानी करना चाहता है। हेलो दोस्तों और भाइयों, कैसे हो। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी खबर जो है ना गर्दिश करते हुए देखी है कि बाबर आजम एक बार फिर जो है ना पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के कप्तान बनने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाना जो है ना बनाने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनना चाहिए था या नहीं। तो पहले देखा कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद हार के बाद जो है ना बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया था, तब उसको दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं, आइए हम इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि वो इसके मुतालिक क्या बयान करते हैं कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनना चाहिए या नहीं। अगर आप नए तो हमारे भाई बाबर आजम तो कप्तान बन गए, अब खुश हो गए हैं आप लोग बाबर आजम के फैंस। लेकिन आपको पता है बाबर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? बाबर आजम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि टीम को यूनाइट कैसे करें। यूनाइट का मतलब समझते हैं आप, एकजुट कैसे करें, मतलब सबको एक साथ लेकर कैसे चले। ये सबसे बड़ा जो है ना कप्तानी में सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज ये नहीं होने वाला कि न्यूजीलैंड के साथ हारेंगे जीतेंगे या फिर उसका एक अलग, ना 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 ना, चैलेंज सबसे बड़ा यही होने वाला है। आप बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाते हो जो कि गलत बात थी, वो इंस्टेंट डिसीजन लिया गया था, जका अशरफ ने वो डिसीजन लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो साया कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो एक तरीके से रिवेंज लेना चाह रहा है। ठीक है, आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटवा दिया, फिर आपने बना दिया शाहिनशाह अफरीदी को, मतलब कोई नहीं मिला तो शाहिन को आपने कप्तान बना दिया। शाहिन की कप्तानी में न्यूजीलैंड में आप 4-1 से सीरीज हार गए, चलो कोई बात नहीं है, हार जीत लगी हुई रहती है। अब जब शाहिन अफरीदी को T20 विश्व कप के लिए आप कप्तानी के लिए तैयार कर रहे थे और जब शाहिन अफरीदी अपनी टीम को तैयार कर रहा था इमाद वसीम मोहम्मद आमिर को बुला के, तब आपने शाहिन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया, अब बाबर आजम को दोबारा आपने कप्तान बना दिया है। शाहिन अफरीदी, देखो सीधी बात है भाई, हर बंदा अपनी टीम की कप्तानी करना चाहता है। हरीश रॉफ ने भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, अगर मुझे कप्तानी का ऑफर मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा, हर कोई अपने देश की कप्तानी करना चाहता है। इवन मोहम्मद शमी तक ने भी बोला हुआ है, इंडिया का जो पेसर है हम लोग का, उन्होंने तक बोला हुआ है कि अगर मुझे टीम की कमान मिलेगी तो मैं बिल्कुल कप्तानी करना चाहूंगा। हर कोई चाहता है, बाबर आजम भी चाहता है, इमाद वसीम भी चाहता है, आमिर भी चाहता है, हर किसी को, आप किसी को भी बोले कि आप कप्तानी लेंगे तो बोलेगा हाँ बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल कप्तान बनना चाहता हूं। ठीक है, कप्तान बनने से आपको ब्रांड्स आते हैं, आप टीम का, अपने देश का सबसे बड़ा स्टार बन जाते हैं, आपके हाथ में वो एक 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 पावर रहता है। तो पैसे भी बहुत कमाई होती है, पावर का तो एक अलग ही कहते हैं कि रुतबा होता है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि बाबर आजम मोहम्मद आमिर से कैसे मुलाकात करते हैं, कैसे उसके साथ तालमेल बिठाते हैं और कैसे जो पूरा ग्रुप है ना उसको टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग तो होगी। मैं बार बार यही चीज के बारे में बता रहा हूं कि ग्रुपिंग तो होगी। अब अगर बाबर आजम मोहम्मद आमिर के साथ तालमेल बिठा लेते और बोलते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, शाहिन अफरीदी के साथ बैठते और बोलते हैं भाई जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग जो है पाकिस्तान टीम के लिए एकजुट होकर खेलेंगे, हमारा समय आ गया है और लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, मैं टीम का कप्तान हूं, मैं लीडर हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर पूरे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें। अगर ये करने में बाबर आजम सफल हो जाता है ना तो क्या पता इस साल T20 विश्व कप भी आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोहम्मद आमिर के तौर पे एक बहुत स्किलफुल बॉलर रहेगा। दो ट्रॉफी बंदे ने आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ है, इमाद वसीम भी आपके पास है, इमाद वसीम वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है ना, तो इमाद वसीम आपके पास है, इमाद वसीम बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने लीग मैचों में ज्यादा प्रदर्शन किया है, मतलब जो फ्रेंचाइज लीग होता है ना वहां पे, लेकिन उनको CPL खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो इमाद वसीम आपके पास, शदाब खान, उसामा मीर, अबरार अहमद, नसीम शाह, हरीश रॉफ, जमान खान, शाहिनशाह अफरीदी, बहुत आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। और जब आप इन लोगों को एकजुट कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई अब साथ मिलकर खेलना है, तब जाके आप जो है मैच जीत सकते हो, टूर्नामेंट जीतने के लिए आप उतर सकते हो। अगर अलग अलग सारे खिलाड़ी खेले ना, जैसे वर्ल्ड कप के दौरान दिखा था कि कोई कहीं पे है, कोई फील्डिंग मिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
जब आपकी टीम मुंबई इंडियंस की तरह, जो अभी देख लो ना, एग्जांपल है आप लोग के सामने, मुंबई इंडियंस की टीम कैसी टीम है अभी? हार्दिक पांड्या को आपने कप्तान बना दिया, कोई उसको कप्तान ही नहीं मान रहा है और टीम मैच हार रही है, कोई कप्तान ही नहीं मान रहा है। अब अगर बाबर आजम को मोहम्मद आमिर अपना कप्तान नहीं मानता, अगर इमाद वसीम को मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम को अपना कप्तान नहीं मानते हैं, या शाहिन अफरीदी बाबर आजम को अपना कप्तान नहीं मानते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस होने वाला है T20 विश्व कप में, या उससे पहले आपको दिख जाएगा जो अगली सीरीज होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर, जो अगली सीरीज होने वाली है उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो ऐसे में मैं फिर बोल रहा हूं, बाबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि वो कैसे मोहम्मद आमिर को मनाते हैं, कैसे इमाद वसीम को मनाते हैं, और सबको एक साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम लोग का कप्तान हूं और हम लोग मिलकर खेलेंगे। जब आप सबको मिला लेंगे तो टीम के भीतर ना एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस के दम पे जो है ना, आप सब कुछ जीत सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहिन शाह अफरीदी या जितने भी बाकी खिलाड़ी है, वो बाबर आजम को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बाबर आजम को अपना कप्तान मानते हैं या भी नहीं मानते, या फिर पाकिस्तान की टीम जो है मुंबई इंडियंस बन जाती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा कि बाबर आजम ने जो फैसला लिया है ये सही फैसला है या गलत।